हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, ये मेरा बहुत अच्छा प्लांट्स चल रहा था, गुड़हल का, और देखो अचानक से इसे क्या हो गया। अचानक से नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से इसकी लीफ येलो हो रही थी और झड़ रही थी। आज इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो प्लांट्स लवर हैं उन्हें तो मालूम हो ही गया होगा कि इसको क्या बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं और इस प्लांट की जो बीमारी है आपको वो दिखाते हैं। इस प्लांट को देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें कितनी मिट्टी है और कितनी रूट्स है। जो प्लांट्स काफ़ी पुराने हो जाते हैं उनमें मिट्टी कम रह जाती है, और जो आप ये जाली देख रहे हैं, जो ये रूट्स फैल रही है, जाल बन रहा है, वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा पॉट है 8 इंच का है और आप देख सकते हैं 3 इंच की इसमें मिट्टी बची है और बाकी का जो 5 इंच है उसमें रूट्स ही रूट्स है और मिट्टी इतनी सी भी नहीं निकलेगी, आप खुद ही देख सकते हैं। इस गुड़हल के प्लांट्स पर फूल बहुत आते थे क्योंकि मैं इसे खाद पानी ऊपर से तो देती ही थी और फर्टिलाइजर भी डालती थी, तो फूल बहुत ज़्यादा आते थे। लेकिन कहाँ तक फूल आते जब इसको मिट्टी नहीं मिल रही है, तो ये खाद पानी कहाँ तक सहन करता। और ये फिर धीरे धीरे आप खुद ही देख रहे हैं लीफ येल्लो होने लगी और गिरने लगी, और फूल तो इस पर 8-9 महीने हो गए हैं, नहीं आ रहे थे। प्लांट से जो रूट्स निकली हैं आप देखिए वो कितनी सारी हैं और लंबाई में कितनी है, और कितने अच्छे तरीके से ये बुनकर गोल गोल घूमकर इस प्लांट में सेट हो रहा था। और जैसे ही मैंने इसको निकाला और लंबाई में किया तो आप खुद देख सकते हैं कितनी रूट्स थी। ऐसे तो इस प्लांट में मैं 4-5 दिन से पानी भी नहीं डाल रही थी क्योंकि ये प्लांट्स मुझे नहीं पॉट में लगाना था, क्योंकि काफ़ी पुराना भी हो गया था और इसके हिसाब से जो मेरा पॉट है वो छोटा है, तो मैं इसे सामने पार्क है उसमें लगवा दूंगी। और मैंने इसी प्लांट की 2-3 कलम लगाई थी, एक तो मेरी फ्रेंड ले गई थी, यहीं पास में रहती हैं, और दो कलम और हैं जो अभी चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं, तो मैं उस कलम को इस पॉट में लगाऊंगी। मैंने जो गुड़हल के प्लांट के लिए मिट्टी बनाई है मैंने इसमें सैंड नहीं डाला है, मेरे गार्डन की सॉइल है, और मैंने बस इसमें जो मेरे यहाँ खाद आया हुआ है ऑर्गेनिक वही डाला है और कुछ नहीं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस टब में, ये प्लास्टिक का ऐसी टब मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने इसमें कुछ कलम थी ये गुड़हल की जो लगा दी थी, और देखो कितने अच्छे से चल रही हैं। और भी प्लांट्स के मैंने सीड्स ऐसे डाल दिए थे तो वो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो मैं इस गुड़हल को निकाल कर उस पॉट में लगाऊंगी। मेरी फ्रेंड है जो बोलती है धीरे से निकालना, आराम से निकालना, रूट्स कट ना जाए, इसमें मुझे मिट्टी लगा करके देना, कहीं ये सूख ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपके सामने जो मैंने कलम लगाई थी वो निकाल कर दिखा रही हूँ, और देखो कैसे रूट्स उसकी दिखाई दे रही है, मैंने कोई मिट्टी नहीं लगाई। और देखो अब मैं कितने आराम से इस पॉट में इसे लगा रही हूँ। इस प्लांट को लगाने के 2 दिन बाद की भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वैसे तो मैं हमेशा शाम को ही प्लांट्स लगाती हूँ, तो अब 5:30 हो रहे हैं जब मैं इस प्लांट्स को लगा रही हूँ, फिर आपको मैं 2 दिन बाद की वीडियो दिखाऊंगी। आप खुद देखना कि ये पौधा मुरझाया है या बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैं इसमें पानी डाल दूंगी, स्टार्टिंग में पानी मैं भरकर ही डालती हूँ, इससे ये भी पता लग जाता है कि इस मिट्टी में पानी रुकेगा या नहीं। अगर रुकेगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा, नहीं रुकेगा तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे इस पॉट में एक बूंद भी पानी नहीं रुका है, तो हमारा जो प्लांट्स है वो ख़राब नहीं होगा। पॉट में इतना पानी देने के बाद फिर आप 2 दिन तक उसमें पानी ना दें और बस ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट डे थोड़ा धूप से बचाएं, और दूसरे तीसरे दिन आप इस जो ये पॉट है आपका कहीं भी रखें, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। ये मेरी वीडियो 2 दिन बाद की है जब मैंने इस प्लांट को लगाया था, और आप देख सकते हैं बहुत तेज़ धूप भी है, और पहले दिन मैंने इसको प्लांट्स के नीचे ही रहने दिया और आज मैं इसको धूप में छोड़ दूंगी, तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेगा। आप खुद देख सकते हैं मुरझा भी नहीं रहा है,
और मैं इसमें एक स्टिक लगाकर इसकी सपोर्ट देकर इसको बांधूंगी, क्योंकि ये जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसकी इस तरह से कटिंग करूंगी कि ये ऊपर की साइड ही चलेगा, ना कि नीचे फैल कर चलेगा। नीचे जो फैलेगा मैं उसकी कटिंग करूंगी। दो घंटे हो गए हैं जब मैंने इसको धूप में रखा, और आप देख सकते हैं ये प्लांट्स मेरा मुरझाया नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।